दोस्तों मैं तो आज हो गया हूँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड इस वाले रिव्यू को बनाने के लिए। आ गया है आयरलैंड का ट्रेलर। इसने भाई इसका जो टीजर आया था उसने कमाल मचाया था पूरे इंडस्ट्री में। सबको एक ऐसी चीज दिखाई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। साइंस एक्शन पे एक ऐसी मूवी आ रही है जिसको सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर रिलीज किया जा रहा है, पैन इंडिया में रिलीज नहीं है, और इस बात का मुझे बहुत ज्यादा बेसब्री से दुख है। दोस्तों आपको भी होगा अगर आप ट्रेलर देख लोगे तो। ट्रेलर सच में इतना ज्यादा फैंटास्टिक आया है कि देख के ही मजा आ गया मेरे दोस्तों। ट्रेलर के अंदर वो क्या दिखाया गया है उसके बारे में बात करते हैं। ट्रेलर के अंदर क्या दिखाया है उसके बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा जो इसकी मेन कास्ट है, जो मेन लीड करेक्टर है, उसने अपनी फीस बिल्कुल ही माफ कर दी। उसने बिल्कुल भी फीस नहीं ली है उनसे। क्यों नहीं ली? जिससे कि हमारे मूवी के VFX पे अच्छा काम हो सके। भाई ऐसे लोग भी दुनिया में है। इस बंदे का नाम है शिवा कार्तिकेया। शिवा कार्तिकेया ने अपनी एक रुपए भी फीस नहीं ली है और इस बंदे ने पूरा पूरा पैसा अपनी फीस का VFX पे खर्च करा है। और VFX लिटरली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जो इन्होंने सेटअप बिठाए हैं और जो इन्होंने चीजें यूज करी हैं बहुत ज्यादा मजा आया देख के। और ट्रेलर के अंदर पॉइंट टू पॉइंट जहां जहां पे जो जो म्यूजिक की जरूरत है वहां वहां पे वो म्यूजिक चेंज हुआ है। जब एकदम से क्लासी मूड होता है तो क्लासी म्यूजिक चल रहा है, जब डांस का मूड है तो डांस का चल रहा है, जब आपका इमोशनल सीन है तो इमोशनल चल रहा है, जब फैमिली के साथ कन्वर्सेशन हो रही है तो फैमिली चल रहा है, जब एलियन आ रहा है तो भाई मासी गाना चल रहा है। तो दोस्तों इन्होंने काफी ज्यादा ध्यान से और बहुत ज्यादा सोच समझ के ट्रेलर बनाया है। अब हम बात करेंगे ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर में दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर मेन कैरेक्टर और एक साइंटिस्ट दोनों प्रूव कर रहे होते हैं कि नेचुरल चीजें ही सब कुछ है, इनके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, इसलिए इन्हें खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके अंदर कुछ भी हेरा फेरी करोगे तो वो आपके ऊपर फ्लैशबैक हो सकता है। और वही चीज होती है जब हमारे ह्यूमन जो है वो दुनिया पे राज करने, दुनिया पे अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत चीजें खराब होती हैं, बहुत चीजें ठीक होती हैं। इसकी वजह से उसमें वगैरह इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जो खेत होते हैं वहां पे आग लग जाती है और भी बहुत चीजें हो जाती हैं। और एलियन आता है अपनी उसी हमारी दुनिया को बचाने के लिए, फिर किसी और चीज के लिए गलती से यहाँ पे आ जाता है। ये तो इन लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन हीरो और एलियन दोनों मिलके बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं दूसरे को और बहुत बढ़िया तरीके से लड़ाई करते हैं विलन के साथ इस दुनिया को बचाने के लिए, जो कि आपको एंड के सीन में दिखाई देगी। और दोस्तों ये मूवी आपकी कॉमेडी एक्शन ड्रामा होने वाली है, जिसमें कॉमेडी भर भर के मिलेगी, साइंस फिक्शन काफी अच्छा मिलने वाला है। जो लोग साइंस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये वाली मूवी एक तरह से भगवान की मूवी होने वाली है। दोस्तों मेरे को ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, मैं आपको कहूंगा आप भी जाके देखो, आपको भी लिटरली मूवी देख के बहुत मजा आएगा। मूवी आपकी होने वाली है 2 घंटा 35 मिनट की। बस मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इसके डायरेक्टर्स ने इसको अभी रिलीज करने का ऑप्शन क्यों रखा। ये मूवी आगे 12 तारीख को आने वाली है और उस दिन काफी सारी मूवीज आने वाली हैं, तो ये पता नहीं उस वाली मूवी को उसी दिन क्यों रिलीज कर रहे हैं। ये इतने अच्छे कॉन्सेप्ट को आगे या पीछे ले सकते थे, क्योंकि यार इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा, थोड़ा टाइम ले लो। आज ही रिव्यू आया, आज इसका ट्रेलर आया है और 12 तारीख को मूवी आने वाली है। यार कुछ टाइम रुक के दिखा लेते तो और भी ज्यादा मेरे को लग रहा है पब्लिक आ जाती और भी पब्लिक इस मूवी को प्यार देती, लेकिन मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ये मूवी जो पिस ना जाए अच्छे अच्छी मतलब और मूवीज के बीच में, ऐसा ना हो जाए कि ये मूवी 2024 की बेस्ट मूवी होते हुए अंडररेटेड मूवी बन जाए। दोस्तों ये तो हमें चलेगा 12 तारीख को ही, पैन इंडिया में मूवी नहीं होने वाली है, तेलुगु में होने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सब टाइटल देख के मूवी देख लूं और आपके लिए रिव्यू ले आऊं। अभी रिव्यू बात करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए रिव्यू के लिए, बाय बाय।